डाल दिया है, इसलिए उसमें एक वजह से आपका सामान कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे किसी से बंद कर, ये सब गलत। हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? और जल्दी जल्दी आप सब जुड़ जाइए लाइव में, बहुत सारा बात करेंगे बस। हाँ तो कैसे हैं आप लोग? और हमार लाइव आवे के रीजन आप सबके पता रहला, आप सबके पता भी रहला कि हमनी के शिमला में शूट करत रहनी है जाए वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खेसारी बिया की हिंदी गाना के। आज सब कोई अपना घर लौटल है तो हम कले रहनी है आप सब से कि हम रात के लाइव आई अपन टाइम के अनुसार, तो आप सबके बीच में हम लाइव आनी। और सबसे बड़ा चीज हमारा साथ है हमारे भाई मनीष जी, अमित जी, गोलू, डमू, मनु और इधर गोलू जी है, सब भाई लोग बा। ये लाइव के आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जाए, ऐसे कि हम अपना पेज से लाइव आए बनी और बहुत सारा बात करे के बा आप सब से। तो सबसे बड़ा चीज़ बा कि हमने के भोजपुरी खाती और जरा का भोजपुरी के लिए जे बहुत बड़ा चीज़ कैलस हमने खाती बड़े भाई, जरा से हमने के कुछ सीखनी जा, जरा से भोजपुरी के हमरा नियन तमाम युवा राइटर जे कि नया नया लिखा था, उस श्याम भैया से कुछ ना कुछ सीखले रहे। और अचानक ये तरह के एगो सॉफ्ट होला ना वो टाइप के लागल जब सुननी जाता। और केहू के मौत पे राजनीत कर जाओ, केहू के मौत पे राजनीत खेला जाओ कि ये नहीं किए वो नहीं किए, कुछ ऐसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में नीच लोग हैं, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ। अभी आप सबको पता था कि हम पे FIR भी किया गया था उनके द्वारा साँच बोलना खाती। तो चालू करते हैं, वो बोल रहे हैं कल उनका लाइव हम सुने पूरा परिवार और भोजपुरी में केहू, अगर मान लीजिए खेसारी भैया लाइव है और लाइव आके उन्होंने बस यही बोला कि मेरा भाई अपने भाई को खो दिए हैं और मुझे इस चीज़ का बेहद दुख था। मैं तो लाइव उनके साथ था और मैं देखा था वहाँ की स्थितियाँ, जब श्याम भैया को गोरखपुर लाया जा रहा था तो हम लोग उस दिन हम लोग का अर्ली मॉर्निंग से ही शूट था और उसके एक दिन पहले भी शूट हम लोग बीच में ही कैंसिल कर दिए थे जब पता चला था कि भैया का तबीयत खराब है। अर्ली मॉर्निंग भैया शूट से रात भर शूट चला था, सुबह में आए उसके बाद फिर हम लोग को निकलना था, लेकिन हम लोग को जब पता चला कि श्याम भैया को लेकर गोरखपुर जा रहे हैं लोग, तो वो लोग गोरखपुर लेकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। तो फिर हम लोगों से बात हुई विवेक भैया को, भैया बोले तो हम लोगों ने योगी जी के PSO को फ़ोन लगाए अभिषेक भैया को, अभिषेक जी ने बहुत मेहनत भी किया और वहाँ पे फिर खेसारी भैया ने विक्की भैया को भेजा वहाँ पे। तब बहुत मेहनत करनी जा, बहुत कोशिश करनी जा कि हमने के कैसे हूँ श्याम भैया के बचा लिया जा, काहे से कि कहीं ना बेड खाली रहे ना कहीं हॉस्पिटल में जगह रहे, वो तो सामने के देखल बात था। लेकिन ये पे राजनीति हो रहा बाकी खेसारी जी, खेसारी लाल यादव चाहते तो बचा लेते, खेसारी लाल यादव ने कुछ नहीं किया। अबे चूतिए इंसान, तुम कितने गिर सकते हो अपने स्टेडियम के लिए, अपने नाम के लिए? कभी बोलते हो कि मेरा ID ब्लॉक करा दिया जा रहा है, कभी बोलते हो कि तुम्हारे लोग गाली देंगे, तुम्हारी मानसिकता पे अफसोस हो रही है। बोल रहे हो कि भैया ने बोला था उस लाइव में कि मैं अपने सगे भाई से ज़्यादा मानता था श्याम देहाती को, और ये सत्य है हमारे लिए। जब हम लोग एक कलाकार हो जाते हैं, हम लोग सबके लिए जीने लगते हैं, तो हमारे लिए फैमिली और परिवार मायने नहीं रखता है, इसलिए नहीं रखता है कि हमनी के परिवार के लोग हमनी के जन्म देले बाड़े, लेकिन अगर हमनी के बुरा वक्त में हमनी के संगे अगर कंधा से कंधा कोई मिला के चलल बत, हमनी के संगे काम करे वाला लोग होला और वो हमनी खातिर सबसे ज़्यादा कीमती होला। क्यों को ये पूरा जग जाहिर बा कि राम जी चार भाई रहन, सबके पता बा कि
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाई थे, लेकिन उन तीनों भाइयों में किसी के सीने में राम नहीं बसते थे, बसते थे तो हनुमान के सीने में। तो बातें वो नहीं है, बातें यहाँ पे ये है कि जिसको इंसान प्यार करता है, जिसको इंसान मानता है ना, और कहता है कि लाइफ में घड़ियाली आंसू गिरा रहे हैं खेसारी लाल यादव, वो तो लाइव में बोलते बोलते भैया की आंख से आंसू गिर गया, उसके बाद में हम लोग कैसे संभाले उस इंसान को। और इसको भी तुम, मुझे लगता है, उम्मीद करते हैं तुम्हारी सोच के अनुसार कि इसको मजाक ही लोगे, तो ओकरा से कोनो फर्क नहीं है पड़े वाला। जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग साथ रहते हैं, और मैं बस ये दावे के साथ बोलता हूँ कि उससे बेटर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई हो ही नहीं सकता है उस इंसान के लिए। तुम बोल रहे हो कि धनंजय मिश्रा को क्या किए तुम, वो सक्षम था, वो सक्षम थे, बिल्कुल सक्षम थे वो। धनंजय भैया के बात तुम लाइव में बोले हो, धनंजय भैया बिल्कुल सक्षम रहन अपना चीज सब कुछ करे में, लेकिन जब वो चले ही गए तो उसमें अब सक्षम की बात कहाँ से आ जाती है, वो सक्षम कहाँ से है, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। और तुम बोलते हो कि धनंजय मिश्रा के लिए क्या किए, मुझे उम्मीद है कि तुम पता करोगे कि धनंजय भैया का परिवार कहाँ रहता है, और मुझे भरोसा है अगर तुमको लाइव आने की जरूरत है, तुम अपने बेटे के आईडी से लाइव आते हो पॉपुलरिटी पाने के लिए, तुम अपने आईडी से क्यों नहीं लाइव आते हो, बोलते हो कि ब्लॉक कर दिया गया है और उसी आईडी से लिख रहे हो कि मेरे कुछ चमचे गाली देंगे, स्टार्डम पाने के लिए इतना गिर जाओगे कि किसी की मौत पे राजनीति करोगे तुम, हैं, इतना भी नीचे मत गिर जाओ ना। और बोलते हो कि सगे भाई के लिए, सगे भाई के लिए जितना खेसारी लाल यादव कर दिया उतना तुम जिंदगी में नहीं कर पाओगे। एक तुम्हारा भाई का लाइव देखे, तुम्हारे भाई को दारू पी के ड्रामा कर रहा था, नौटंकी बाज, तुम अपने भाई को ही बढ़ाओ ना, इतने बड़े डायरेक्टर हो तो अपने भाई के काहे नहीं का सिनेमा कह दे, दो चार को कह दी तो हिट हो जाए। तुम क्यों नहीं अपने बेटे को करते हो, क्यों नहीं अपने भाई को करते हो, और उस इंसान को बोल रहे हो कि तुम अपने भाइयों के नहीं हुए, तुम अपने भाई को नहीं करते हो। खेसारी लाल यादव डेढ़ बीघा में घर बनवा होता है, जौना में 25-26 को फ्लैट बनाता, रूम बनाता अपना भाइये खाती। और मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर उनका 8-10 जो फ्लैट है ना, उनमें उनके भाई ही सारे रहते हैं, तो उतना करने वाला कोई नहीं है। तुम उस इंसान पे उंगली उठाते हो, उस इंसान को नीचे दिखाते हो, जिस इंसान ने कभी किसी को गैर समझा ही नहीं है। तुमको इतना चर्बी चढ़ गया है कि तुम किसी से मन्नत तो नहीं मांगे हो ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसी उथल पुथल हो, कोई घटना घटे और जिसपे खेसारी लाल यादव कुछ टिप्पणी करे, किसी को अपनी दुख संवेदना अपना व्यक्त करे, तो तुम लाइव आके अपनी ड्रामा करोगे। टारगेट सिर्फ खेसारी लाल यादव है क्या? और तुम्हारी ही बात हुई थी समर जी से, विक्की यादव से, सबसे तुम्हारी ही बात हुई थी, झूठे फरेब नौटंकी बाज है? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? अगर तुम्हारा अस्तित्व इतना ही होता तो अब इतना तुम कितने दूध के धुले हुए हो कि तुम्हारे बेटे को जेल में करवा दी, तुम कितने सही हो, एक लड़की ने तुम्हारी वाट लगा दी पूरे इज्जत की, और तुम बात कर रहे हो इज्जत प्रतिष्ठा की, तुम्हारा क्या वजूद है, तुम कितने में हो, तुम क्या बात कर रहे हो? एक लड़की ने तुम्हारा ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ खत्म कर दिया, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रतिष्ठित बन रहे हो, उतना ही बोलो। आदमी शांत है, अपना काम कर रहा है, किसी की मौत पे मजाक उड़ा रहे हो, थोड़ा सा भी तो शर्म करो यार। ये सत्य बात है कि खेसारी भैया के लाइफ में अगर पवन पांडे और श्याम देहाती से बड़ा हिट कोई नहीं दिया है, उनके जिंदगी में सबसे ज्यादा गाने अगर हिट हुए हैं तो इन्हीं दो लोगों के हुए हैं। और सत्य यही है कि श्याम देहाती जी बहुत खेसारी भैया को मानते थे, चाहे खेसारी भैया भी मानते थे बहुत ज्यादा। ये सब चीजें बोलने की नहीं है, उनके डेथ होने के 5 दिन पहले की लाइव देखना, तो जो उन्होंने फैक्ट्री चालू की थी बेकरी की, उसमें खेसारी समोसा, खेसारी नमकीन, वो भैया के नाम से, भैया ने उनको ये सब बातें लाई में, बिल्कुल हम लोग का बोलने का मोटो नहीं था, लेकिन ये बातें तुम बुलवा रहे हो उंगली कर करके। एक राइटर के लिए कौन इतना करता है? भैया ने श्याम भैया को इतना सपोर्ट किया, उनको खुलवाया, फाइनेंशियली सर्व जो भी था सपोर्ट सब कुछ किया, लेकिन तुम बोल रहे हो कि उनके मौत पे क्यों नहीं, क्यों मजाक बना रहे हो? तुम्हारा सगा भाई रहता, सगा भाई मरता तो इतना नहीं रोते जितना श्याम देहाती के लिए रो रहे हो। तुम्हारा वजूद वही है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
तुम जिंदगी भर तुम सिर्फ खेसारी लाल यादव के निहारते रहोगे और तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व जो है ना, उसके व्यक्तित्व की पूजा होती है और इंसान को अपना इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारे लिए कौन ऐसा लोग है तुम्हारे साथ खड़ा? अब ठीक से रहो, अपन काम करो, हमनियों के अपन काम करे दा। तुम्हारा इतना सोच गिर जाएगा कि अब तुम ताजुक होने लगा है कि कैसे बोल रहे हो कि कोई सिनेमा हिट नहीं हुई है, हम ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तू ही भाई बड़ा भोजपुरी का ऑक्सीजन है, तू नहीं खा तो सिनेमा हिट नहीं खे भाई, 3 साल के गिना दी तारा के कहू सिनेमा हिट भाई बा है। यार तुमको लोग रेस्पेक्ट करते थे, लोग इज्जत की नज़रों से देखते थे, ऐसा क्या कर्म कर रहे हो कि फेसबुक पे तुम्हें सिर्फ गालियाँ ही गालियाँ पड़ रही? थोड़ा भी तो समझो, और ब्राह्मण तुम भी हो और मैं भी हूँ, एक ब्राह्मण कुल को तुम नाश कर दिए, इज्जत प्रतिष्ठा की धजिया उड़ा दिए हो, बोलते हो कि ब्राह्मण हूँ, किस एंगल से तुम ब्राह्मण लगते हो बताओ मुझे? ब्राह्मणों का काम ये नहीं है कि किसी को अपना झूठा स्टडम पाने के लिए किसी को नीचे गिरा दो, ब्राह्मण कतई, और जो सच्चा ब्राह्मण होगा ना कभी ये काम नहीं करेगा। तुम्हारा जो वजूद है, अस्तित्व है, तुम अपने बेटे को हिट कराने के चक्कर में लगो, कौन दुनिया तुमसे पूछने जा रहा है भाई? तुम अपने बेटे को बना दो सलमान खान के साथ सिनेमा बना दो, किसी को प्रॉब्लम है कराओ हिट, दूसरे को चक्कर में क्यों पड़े हो भाई? आदमी नैखन बोला चुपचाप बाड़े, हमने के खुदे इतना सदमा में बानी जा साला कि 2 दिन पता ना चल हमने के कि 2 दिन कितना कष्ट में और दुख में कैसे समय निकल गई, जितना लोग संगे रही जब इतना कष्ट भाई। और हम लोगों ने जितना प्रयास करना था, अगर पैसे से बचाना होता अगर श्याम भैया को तो कब के हम लोग बचा लिए होते, लेकिन पैसे मायने नहीं रखते हैं। अब तो भेजा ये बुझा था कि रुपया पैसा कुछ ना, मौत के सामने कुछ नहीं है, और ये पूरा जग जाहिर बा। और आज मैंने श्याम भैया के भतीजा की इंटरव्यू देखनी है, वो खुद लड़का बोल रहा है कि खेसारी भैया का बहुत फोन आया था, और सच्चाई बात यह बा कि उनका के मेडिकल कॉलेज जोन हॉस्पिटल रहे जाना में एडमिट करावल गई, जो जोगी जी के PSO हैं अभिषेक भैया, उन लोगों से उनसे हम लोग बात किए, और बात करने के बाद हम लोग उस लड़के को बहुत डील किए कि भाई इधर जाओ उधर जाओ सामने जाओ गेट पे, अनिल त्रिपाठी एक डॉक्टर है वहाँ के सीनियर, उनका नंबर हम लोग को मिला, अभिषेक भैया दिए, और फिर अनिल जी आके चेकअप किए। उसके बाद हाँ ये सत्य है कि बेड खाली नहीं था, बेड के लिए बातें चल ही रही थी, लेकिन श्याम भैया के पास उतना समय नहीं था। लेकिन इस पे भी तुम मजाक बना रहे हो, क्या उनका भतीजा झूठ बोलेगा है? हम लोग उस दिन पूरे शूटिंग कैंसिल करके हम लोग होटल से बैठ के चारों तरफ इधर विक्की भैया को भैया ने फ़ोन किया भेजे, आज़ाद भैया गए, कवि जी को हम लोगों ने फ़ोन किया, फिर उन्होंने निरहू भैया से फ़ोन कराया था। तुम चूतिए इंसान, तुम अब बिना नॉलेज के चले आते हो लाइव लेके बोलने, तुम्हारी क्या औकात है बे? कुछ भी होता है तुम्हारी बेटी बहन भी भाग जाएगी तो बोलोगे खेसारी लाल यादव भगा के लेके चल गया है, हैं? तुम्हारा कोई अस्तित्व है कि नहीं? तुम्हारा जमीर मर गया है? हिट होने के लिए कुछ भी करोगे? और तुम अपने पागल भाई को पहले समझा दो कि दारू पी के जो लाइव आता है ना, हूँ यहाँ ही करता है पागलों की तरह कि काट देंगे फेंक देंगे, गर्मी भाई बात ठंडा जी हैं, तो पहले अपने देखो अपने में कि कितने छेद हैं, दूसरे को छेद देखने से पहले, दूसरे को निहारने से पहले अपने में देखो कि क्या क्या तुम कर रहे हो, तुम क्या क्या करके यहाँ तक आए हो, तुम क्या बात करोगे? अगर तुम में इतनी ही इंसानियत होगी तो अभी भी पैसे वैसे रखे होगे, 1.5 लाख रुपया 2 लाख 2.5 लाख मदद कर दो, हम लोग खुशी से तुम्हारा पोस्ट डालेंगे कि राजकुमार जी ने श्याम भैया को बच्चे को बीबी को उनको पढ़ने के लिए इतना सहायता किया, हम लोग तो कर रहे हैं, तुम करो, तुम करके हम लोग को स्क्रीन शॉट दो, नहीं डालेंगे तो फिर बोलना दोगला बोल रहा था लाइव में बोल रहे हैं, खुशी की बात होती है। सपोर्ट करने की जहाँ बात आएगी, तुम क्या किए हो भोजपुरी के लिए, किसको सपोर्ट किए हो? जो इंसान हमेशा से दूसरे के लिए करता आ रहा है उसकी टांगे खींचने पर लगे हो तुम, तुम्हारा वजूद यही है, तुम बिल्कुल ही, तुम्हारा अस्तित्व और जमीर दोनों मर चुका है, तुम्हारा कोई अपना खुद का तो वजूद ही नहीं है। चले हो ज्ञान बांटने, तुम कितने सही हो कितने अच्छे हो ये हम लोग जानते हैं,
क्रोकोडाइल डियर मत बनो, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि खेसारी लाल यादव कैसा इंसान है, ये तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है। और किसी के गिराने से इंसान नहीं गिरता है, जब लोग ये लोग इग्नोर नहीं कर देंगे, जब लोग जब तक ये लोग जो दर्शक हैं ना, ये लोग जब तक अपने नज़रों में गिरा नहीं देंगे किसी को, कोई नहीं गिरा सकता है। तुम्हारे जैसे रोड छाप लोग तो ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मजबूर कर दिए तुमने मजबूर कर दिया था लाइव आने के लिए सब लोग को। तुमको अच्छा लगता है ये सब, और मुझे शौक़ नहीं है कि तुम्हारे बारे में हम चर्चा करें, लेकिन बोलोगे अगर जो बोलोगे, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ और मैं एक गीतकार के हम दर्द समझ सकते हैं कि कितना वो इंसान पे बीतत हुई, वो परिवार के कितना कष्ट होत हुई, ये समझत हो खब। एक राइटर के लिए एगो गीतकार कतनों कमा लिए, हमने के कतनों रुपया पैसा कमा ले जाए, तो हम लोगों के पास क्या सक्षम हो जाएंगे, कितने सक्षम हो जाएंगे, ये हम लोग जानते हैं, ये तुम भी जानते हो। गीत लिख के कोई क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी तुम बोल रहे हो कि धनंजय मिश्रा सक्षम थे, धनंजय मिश्रा के लिए क्या किए हो। तुम्हें अगर थोड़ा सा भी इंसानियत होगा तो पूछना कि धनंजय भैया का फैमिली कहाँ रहता है। मुझे उम्मीद है अगर तुम सच्चाई से पता करोगे तो पता यही चलेगा कि खेसारी लाल यादव के घर में पूरा एक फ्लैट उन लोगों के लिए दिया गया है, रहते हैं वहीं पे वो लोग सारे लोग, जब से धनंजय भैया गुजरे हैं तब से, और आजीवन जब तक वो लोग रहेंगे, जब तक मन करेगा वो लोग, वो घर उन लोग के लिए है। इतना किसी भोजपुरी स्टार में इतना बड़ा दिल नहीं है किसी को कि अपना घर दे देगा रहने के लिए और उनके साथ कंधे में कंधे मिला के चलने के लिए। तो तुम क्या इंसानियत की बात करोगे यार, गुस्सा आता है। और आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, आपको हम लोग सम्मान करते थे, आपने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन ऐसा आप क्या आपको हो गया है कि आप बार बार ये सब चीज़ें कर रहे हो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। और सिर्फ किसी एक इंसान को टारगेट करना, ये गलत चीज़ है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं और हम लोग काम करते हैं, हम जानते हैं कि भैया कैसे इंसान है। हमेशा जो दूसरे के लिए जीता है, दूसरे के लिए सोचता है, उसको आप हमेशा नीचे गिराने में लगे हो। कौन होगा वैसा इंसान यार जो किसी फौजी के घर के बेटे को गोद ले ले, है? कौन वैसा इंसान होगा किसी कर, अभी तुमको पता होगा पिछले साल लॉकडाउन में कितना हम लोगों ने चारों तरफ उनके खेसारी फाउंडेशन से हम लोगों ने काम किया था हर गरीबों को। तो ये सब चीज़ें बताने की नहीं होती है, हम लोग करते हैं तो कभी गिनाने के लिए नहीं करते हैं, हम लोग का काम बोलता है, हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन तुम इसमें कुछ करते हो नहीं और तुम लाइव आके लंबी लंबी अपना भाषण जाते हो। और तुम्हारा एक पागल भाई है, उसको तो देख के हमको लग रहा है कि वो जॉनी लीवर टू है। तो कुछ भी करते रहते हो तुम लोग, मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, क्या कर देंगे क्या। अरे ढंग से रहो, अपना काम करो, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम नहीं बताओगे कि तुम ऑक्सीजन हो, इंडस्ट्री के लिए क्या किए हो। तुम नहीं भी सिनेमा दिए हो तो बहुत सारी ऐसी सिनेमा आई, निरहू भैया की, पवन भैया की, खेसारी भैया की, जो कि बहुत बहुत चली है और बहुत कमाई की, वो सिनेमा ब्लॉकबस्टर हुई। तो तुम्हारे छोड़ने ना करने से किसी को और किसी आने जाने से किसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। तो तुम अपना काम पे ध्यान दो और अपना स्टार्डम पाने के लिए, अपना पॉपुलरिटी करने के लिए अपने बेटे के आईडी से लाइव आते हो कि ज़्यादा लोग देखेंगे। किसी के मौत में भी मजाक अगर कोई उड़ाना हो तो तुमसे सीखे यार। हम लोग कितने दर्द में हैं, हमेशा हम लोग हंसने बोलने वाले इंसान हैं। हर दुख की घड़ियों में हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन जब से श्याम भैया को खोए हैं हम लोग, एक सदमा सा लग गया है। थोड़ा सा भी तुम्हें इंसानियत होता तो इस लाइफ का और किसी के दुख का मजाक नहीं उड़ाते तुम। अगर कोई इंसान लाइव आया और बोलने के लिए तो रो रहा है कोई इंसान, तुम बोल रहे हो कि घड़ियाली आंसू गिरा रहा है। तुम्हारी सोच यही है, तुम्हारी मानसिकता यही है। तो ढेर अत ना करे के और पाप के घड़ा भरे ला तो फाटे ला, तारा पता बा। और तुम बोल रहे हो कि भगवान नहीं, काटने मारने की बात नहीं है। और हम लोग एक कलाकार हैं और कलाकार कबू लड़ाई झगड़ा ना करस, और हमनी के प्रेम से शुरू से ही हमनी के रहल बढ़िया। तो
आप लोग किसी को गाली गलौज मत दीजिए, गाली मत दीजिए किसी को भी, जो भी है उनकी भी माँ बहन है, हम लोगों की माँ बहन है। हमने क्या इतना मूर्ख नहीं खींचा कि तारा नियन माई बहन की केहू के गाली देवे लगी जाए, कहें कि हमने की इंसानियत जिंदा बा और हमने की जमीर जिंदा बा। हमने के माई बाबू ही निघन सिखैले कि लाइफ दारू पी के आके और उल्टा पुल्टा केहू के बोली ओकरा के सिखाई, ये सब चीज़ें नहीं है। और किसी की मौत पे राजनीति, यार कितने गंदे इंसान हो, एक ब्राह्मण का ये काम नहीं है यार। तुम जादव को बोल रहे हो कि जादव है तो नान जाते हैं, जाति बात भोजपुरी जाति से चलती है यार, भोजपुरी में जात पात ऐसा, हमारे भोजपुरी के सारे लोग हम लोगों का गाना सुनते हैं, तो जात पात इसमें कहाँ से आ गई। जाति की बात करते हो कि वो जादव है तो जादवों को ये हो गया तो वो नान जाते हैं, ये सब शोभा नहीं देता है, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अब है नहीं, आप थे, आपको लोग सम्मान करते थे, अब करते नहीं हैं। तो आप बस बस बोलिए और अपना पॉपुलरिटी पाइए, अगर अच्छी चीज़ें